Hello students, welcome back to resolution study point. Today we are going to discuss Gutermann-Koch reaction. In previous lecture we have discussed Riemann-Riemann reaction and Wilsmeyer-Hack reaction. This is our third name reaction for aromatic electrophilic substitution type of reactions. So today's topic is Gutermann-Koch reaction. So what is Gutermann-Koch reaction? Again, similar to Riemann-Riemann reaction, Gutermann-Koch reaction is also a type of formylation reaction in which formylating mixture is कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखिए, अगर क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंडीशन है तो रिएक्शन कौन सी है? रिमर-टिमन. लेकिन अगर कार्बन मोनोक्साइड और HCl की कंडीशन है तो रिएक्शन कौन सी है? गटरमैन-कोच रिएक्शन. तो गटरमैन-कोच रिएक्शन के लिए रिएक्शन कंडीशन क्या है? कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ये रिएक्शन जो है इसको हम बोलेंगे गटरमैन-कोच रिएक्शन. सो व्हाट इज गटरमैन-कोच रिएक्शन? गटरमैन-कोच रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स एंड अल्काइल बेंजीन्स विद कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ओके, तो गटरमैन-कोच रिएक्शन क्या है? फॉर्मुलेशन किसकी? बेंजीन या अल्काइल बेंजीन की. किसकी प्रेजेंस में है? कार्बन मोनोक्साइड और HCl के मिक्सचर की प्रेजेंस में है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. यहाँ पर जो आपका पैरा प्रोडक्ट होता है ये बनता है मेजर. जैसे हमने देखा था कि रिमर-टिमन रिएक्शन में ऑर्थो ही मेजर होता है, लेकिन गटरमैन-कोच में पैरा क्या होगा? मेजर. इस रिएक्शन के थ्रू आप जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जैसे कि फिनोल है, क्रिशोल है, एनिसोल है, इन सब को फॉर्मुलेट आप नहीं कर सकते. इसके लिए केवल और केवल बेंजीन और अल्काइल बेंजीन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है गटरमैन-कोच रिएक्शन के लिए वो ये है कि अगर आपको रिएक्शन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर करवानी है, रिएक्शन कहाँ पर करानी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर. तो आपको क्यूप्रस क्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ेगा. ओके, क्यूप्रस क्लोराइड. लेकिन अगर आप हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्शन को कराते हो तो क्यूप्रस क्लोराइड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी. तो मैं आपको एक बात यहाँ पर ही बता देती हूँ कि क्यूप्रस क्लोराइड का काम क्या है, क्यों हम क्यूप्रस क्लोराइड को लेकर चलते हैं. So, the function of cuprous chloride is to coordinate with carbon monoxide in order to get the high concentration of carbon monoxide. अब देखिए, गटरमैन-कोच रिएक्शन में फॉर्मुलेशन होती है और फॉर्मुलेटिंग मिक्सचर आपका कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. जब तक कार्बन मोनोक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी तो रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी. इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड का यूज़ करते हैं जो कार्बन मोनोक्साइड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो क्यूप्रस क्लोराइड का काम क्या है? कार्बन मोनोक्साइड की कंसनट्रेशन को बढ़ा देना. ओके, एज ए हम इसको को कैटलिस्ट या कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. अब देखिए गटरमैन-कोच रिएक्शन है क्या. गटरमैन-कोच रिएक्शन में जो भी आपकी बेंजीन या अल्काइल बेंजीन कंपाउंड है, जैसे कि हमने यहाँ पर बेंजीन लिया, इसकी हम रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो यहाँ पर फॉर्मुलेटेड कंपाउंड आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जैसे कि मिथाइल टोलिन है, जब आप इसके गटरमैन-कोच रिएजेंट से रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पर जो फॉर्मुलेशन होगी, इस फॉर्मुलेशन में मेजर जो कंपाउंड होगा ये आपको मिलेगा पैरा. दिस वन इज
मेजर, बट अगर ऑर्थो भी बनता है वो ऑर्थो क्या रहता है, माइनर, दिस इज माइनर, तो मेजर होगा पैरा आइसोमर और माइनर क्या रहेगा आपका, ऑर्थो आइसोमर्स। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो गटरमैन कोच रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी तक अनसर्टेन है, लेकिन हम कुछ हद तक मान सकते हैं कि यहाँ पर भी फॉर्माइल कैटाइन इंटरमीडिएट बनता है। देखिए फॉर्माइल कैटाइन कैसे इंटरमीडिएट बन सकता है, फॉर्माइल कैटाइन इंटरमीडिएट बनता है, अनसर्टेन मैकेनिज्म है, जस्ट ये हम प्रोबेबिलिटी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये प्रोबेबली है। ओके देखो रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा AlCl3 की प्रेजेंस में। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है, जो AlCl3 है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये क्या करेगा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो AlCl4 नेगेटिव निकल जाएगा, और जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये प्रोटॉन के ऊपर इस तरीके से अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपको कंपाउंड मिलेगा इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के पास, और इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करेगी जो इस टाइप से होगी। ओके यहाँ पर कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये है आपका फॉर्माइल केटाइन। साथ में जो काउंटर पार्ट है ये क्या रहेगा, AlCl4 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पे रहेगा। ओके अब देखते हैं मैकेनिज्म, बेंजीन के साथ मैकेनिज्म कैसे होता है, ये तो हमने इंटरमीडिएट बनाया है, ये हमने लिया था बेंजीन। बेंजीन की जब इस इंटरमीडिएट से रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या है ये वाली, तो यहाँ पर ये जो आपका बेंजीन का डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर जनरेट होगी जिसमें बेंजीन वाली कार्बन पे तो होगा आपका, सॉरी दिस वन इज रॉन्ग, दिस डबल बॉन्ड एंड दिस वन डबल बॉन्ड। ओके यहाँ पर क्या होगा, एक तो प्रोटॉन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ओके अगले स्टेप में क्या होगा कि जो ये प्रोटॉन है ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा और आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड, दिस इज बेंजाल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन, दिस इज गटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें फॉर्मेलेटिंग रिएजेंट आपका था कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आई होप आपको गुटरमैन कोच रिएक्शन होती क्या है ये समझ में आई होगी, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।